इन दिस ह्यूज डेटा वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि जैसे मान लीजिए हम नीचे चले गए, अभी हमें पता नहीं कौन सा कॉलम क्या है, कुछ कुछ आइडिया नहीं लग रही है। लाइक वाइज हम राइट चले जाएं तो आगे क्या है वो खिसक जाता है, पता नहीं चलता व्हाट इज दैट। नीचे जा रहे हैं, जाते 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 नीचे चले गए, पता नहीं चलता क्या कॉलम में क्या है क्या नहीं है। तो टू दिस मिटिगेट दिस वी हैव वन शॉर्टकट, फ्रीजिंग पेन। फ्रीजिंग पेन हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग जनरली हम यहाँ पर जाकर के इसको फ्रीज कर देते हैं, लेकिन इसका मैं आपको आज शॉर्टकट बताने वाला हूँ ताकि आप इजीली क्विकली इस शॉर्टकट को यूज़ करके फ्रीजिंग कर सको, जो कि आपको डेटा व्यू के लिए काफ़ी आसान रहता है। तो अभी आपको करना क्या, मान लीजिए देर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रीजिंग। पहली फ्रीजिंग है ऊपर की टॉप रॉ को फ्रीज करना। सेकेंड फ्रीजिंग है कि इस कॉलम को फ्रीज करना। फर्स्ट फ्रीजिंग रॉ को फ्रीजिंग करना। थर्ड फ्रीजिंग क्या है कि आपका फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो, फर्स्ट रो भी फ्रीज हो। तो इन तीनों फ्रीजिंग को करने के लिए आपको क्या करना है, आप अल्ट डब्ल्यू दबाओ एंड एफ आप जैसे ही दबाओगे। बट बिफोर फ्रीजिंग मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन आपका कर्सर का कहाँ होना चाहिए। आपको खाली टॉप रो का अगर फ्रीजिंग करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, जिस रो को आपको फ्रीज करना है उसके जस्ट नीचे वाले लाइन पे आपका ये कर्सर होना चाहिए। अब आप जैसे यहाँ पर हमने कर्सर रखा, आप अल्ट डब्ल्यू दबा करके आपने एफ और आर दबा दिया तो ये आपकी टॉप रो फ्रीज हो गई। अब आप नीचे जाओगे तो आपकी टॉप रो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेगी। तो अभी इस फ्रीज को आप वापस कैंसिल कर दीजिए, अनफ्रीज पेन कर दीजिए। अभी नाउ हमको फर्स्ट कॉलम ए को फ्रीज करना है, तो कॉलम ए को फ्रीज करने के लिए जो राइट में जो कॉलम है बी में आपको खड़ा होना पड़ेगा एंड देन अल्ट डब्ल्यू आप दबा करके एफ दबाइए। अल्ट डब्ल्यू एफ और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो आप सी दबा दीजिए, अल्ट डब्ल्यू एफ सी। तो ये कॉलम आपका फ्रीज है। जैसे ही आप राइट में जाओगे तो ये कॉलम खड़ा रहेगा। इसको आप वापस अनफ्रीज कर दो। अभी आपको करना है रो को भी फ्रीज करना है, इसको भी फ्रीज करना है। तो आइडियली बी टू इज़ द बेस्ट पोजीशन। आप अगर यहाँ स्टैंड होगे तो आपका कॉलम भी फ्रीज होगा एंड रो भी फ्रीज होगी। तो दिस इज द पॉइंट। आप अगर नीचे खड़े हो जाओगे तो ऊपर की दो रोज फ्रीज हो जाएगी। तो आपको यहाँ फ्रीज खड़ा होना है, यहाँ आप कर्सर रखिए, आप अल्ट डब्ल्यू एफ और आप एफ लगा दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, आप नीचे जाओगे अल्ट डब्ल्यू एफ एफ तो वह भी फ्रीज है, यहाँ जाओगे तो भी ये फ्रीज है। तो मेक श्योर आप अल्ट डब्ल्यू एफ एफ दबाएंगे तो दोनों चीज़ें फ्रीज होगी, और खाली आर दबाओगे तो रो फ्रीज होगी, और सी दबाओगे तो सिर्फ कॉलम फ्रीज होगा। दैट मीन्स अल्ट एफ एफ अल्ट एफ आर अल्ट एफ सी। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे शॉर्टकट के साथ। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।